हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दिस टाइम जो है हम नई सीरीज के साथ अभी जो है कम बैक किया है, और वो नई सीरीज है हमारी ले सीरीज। तो गाइज, अभी जो है हमने जर्नी शुरू कर दी है। तो हमने जो था स्टार्ट किया था हिमाचल से, तो हमारी जो जर्नी रहेगी वो ऑलमोस्ट जो है 15 डेज की जर्नी है दिल्ली टू ले, जिसमें हमने जो है काफ़ी चीज़ें कवर करी हैं, वो साथ साथ जो है मैं आपको ब्लॉग के दिखाती रहूँगी। तो अभी जो है हमारा फर्स्ट स्टॉप है जिस्पा में, जो कि है मनाली से 2 आवर्स की जर्नी। तो इस बार जो है हमने स्टॉप जो है मनाली में नहीं लिया, बिकॉज जो है मनाली में जो है वो प्लेन एरिया पे है, और ले आप जैसे जाते हो तो जो आपकी फीट जो हाइट है वो बढ़ती जाती है। तो अकोमोडाइजेशन के लिए जिस्पा जो बताते हैं वो सबसे अच्छा रहता है स्टे करने के लिए। वहाँ पे आप जो एक दिन जो रुक के जो है अकोमोडाइजेशन कर सकते हो, उसके बाद जो है आगे की जर्नी हम शुरू करेंगे। तो हमने जो ये जर्नी शुरू कर दी थी हिमाचल से, दिल्ली से। हिमाचल मेरा होम टाउन है, जहाँ पर जो है मैं रुकी थी, क्योंकि लंबी होने वाली थी हमारी काफ़ी जर्नी दिल्ली टू जिस्पा अगर हम कंटिन्यूस करते, तो वो जो थी अप्रॉक्सीमेट थी 14-15 आवर्स की जर्नी। तो मैंने जो था बीच में स्टॉप ले लिया था हिमाचल में। तो हिमाचल से जो जिस्पा पड़ता है वो पड़ता है 8 आवर्स की जर्नी। तो अभी जो है काफ़ी हाईवेज भी बन गए हैं, काफ़ी टनल्स भी बन गए हैं और ब्रिजेस भी, जिसके कारण जो है शॉर्ट हो गया है काफ़ी डिस्टेंस। तो बहुत ही हेजल फ्री जर्नी जो है हो गई है अब हिमाचल से जो है जिस्पा तक की। तो अभी जो है मैं जो है ऑलमोस्ट चल पड़ी थी रात के 2 बजे, और हम जो है सुबह पहुंच के थे 9 से 10 बजे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है नाइट में स्टार्ट करो, ताकि जो है आप सुबह सुबह जो है जिस्पा पहुंचो, और बहुत ही अमेजिंग वेदर लगता है, और नाइट में जो है जर्नी पता ही नहीं चलती। अभी जो है हम पहुँचते पहुँच गए मनाली। तो आप मनाली में देख सकते हो काफ़ी प्यारा व्यू है, बट हाँ, मनाली में आपको जैसे पता है लास्ट ईयर काफ़ी जो है डिस्ट्रप्शन हुआ था, जिसके कारण जो है काफ़ी चीज़ें जो है ब्रिजेस वगैरह कोलैप्स हो गए थे, तो वो भी देखने को काफ़ी मिला। बट जो है गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है उस पर, तो व्यू जो है आप इंजॉय करें मनाली के। तो मिलते हैं आगे की जर्नी में, साथ के साथ मैं आपको बताती जाती हूँ इन्फॉर्मेशन। तो अब हम पहुंचने वाले हैं वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल, अटल टनल। ये काफ़ी फेमस है, तो अब जब भी जो है अटल टनल आए तो फ़ोटो ज़रूर खिंचवाएं। तो अभी जो है मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने भी काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, और जैसे ही आप अटल टनल से बाहर आते हो तो अलग ही व्यू जो है आपको देखने को मिलता है। और इसके जो है राइट हैंड साइड, यहाँ पे 2 रास्ते जो है जाते हैं, राइट हैंड साइड जाता है रोहतांग की तरफ, और लेफ्ट हैंड साइड जाता है सिशु और जिस्पा की तरफ। तो अभी जो है हम कवर करेंगे इस बार जो है सिशु एंड जिस्पा, कि हम क्या क्या चीज़ें जो है वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या क्या जो है व्यूज़ हमें देखने को मिले माइंड ब्लोइंग। तो चलिए चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। तो अभी आप हमें देख ही सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले जो है सारी ग्लिम्स दिखा दिए थे नाइट से, हमने जो जर्नी स्टार्ट करी थी हिमाचल से। तो अभी जो है हम सिशु में पहुंचे हैं, तो सिशु से आगे जो है हमने जिस्पा में स्टे करना है। तो पहला स्टे होगा हमारा जिस्पा में, और क्या क्या हम एक्सप्लोर करते हैं और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी जो आप यहाँ के व्यूज़ इंजॉय कीजिए।
तो अभी जो है हमें काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिला शिशु में। हालांकि ट्रैफिक जो था इस टाइम मूविंग था, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो है जर्नी जल्दी से जल्दी जो है मॉर्निंग में ही स्टार्ट करें, ताकि जो है अटल टनल जो है 8 to 9 o'clock से पहले जो है वो क्रॉस कर ले, वरना अटल टनल पे ही काफ़ी ट्रैफिक लगना शुरू हो जाता है। अभी जो है मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, अगर जो है आपने कैश वगैरह निकलवाना हो तो लास्ट एटीएम जो है आपको शिशु में मिलेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ लोकेशन, तो आप वहाँ से कैश निकलवा सकते हैं, बिकॉज ले में जो है ज़्यादा कैश ही चलता है। तो आप जो है लाइक आपने पेट्रोल भी फिल कराना है और साथ में जो है आपने खाने पीने का भी देखना है, तो वो सारा जो है कैश के थ्रू ही होगा। तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देती हूँ एटीएम। तो गाइज अभी जो है हम आगे जा रहे हैं, दांडी से होके हम जाएंगे किलोंग, किलोंग से जाएंगे चिस्पा। तो जो आपका लास्ट पेट्रोल पंप पड़ता है वो पड़ता है दांडी में, तो आप मेक श्योर करें कि आप जो अपना टैंक फुल करवा लें दांडी में। अगर हो सके तो आप जो है थोड़ा एक्स्ट्रा भी लेके चले, बिकॉज लास्ट पेट्रोल पंप दांडी के बाद आपको मिलेगा ले में। ले से पहले भी, दो स्टेशन पहले भी एक पेट्रोल पंप खुला है, बट वो श्योरिटी नहीं है, कभी कभी वहाँ पे पेट्रोल होता है कभी नहीं होता। तो आई वुड सजेस्ट कि आप दांडी में ही अपना जो है फुल करवा लें टैंक, और साथ में जो है अगर आप बाइक वगैरह पे हो तो एक्स्ट्रा साथ में ज़रूर लेके जाएं। जिस्पा है ये फेमस है, आपकी कैंपिंग के लिए बहुत ही अमेजिंग व्यूज है, मतलब बिल्कुल मजा आ गया, और वेदर तो पूछो ही मत। अभी जो है मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ कैंपिंग का व्यू। होटल की तरफ और व्यूज़ बहुत ही अमेजिंग है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको काफ़ी वेरियस जो है ऑप्शंस मिल जाएगी रहने की। जैसे कि यहाँ ये जो फेमस है वो फेमस है कैंपिंग के लिए, बट मैं फैमिली के साथ हूँ तो मैंने जो था होटल बुक कराया था। तो यहाँ पे जो आपको डिफरेंट डिफरेंट कैंप्स मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे, कुछ को जो है मैंने कैप्चर करा है वीडियोस में, तो आप जो है स्टॉप करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। मैं अपना होटल भी जो है आपको बताऊंगी कि क्या जो है होटल था, क्या क्या अमेनिटीज़ थी, किस तरह का रूम प्रोवाइडेड था, वो जो मैं अपना होटल का रूम व्यू है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो अगर आप स्पेसिफ़िकली मेरे होटल जो मैंने बुक करा है होटल वो आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो वो जो है वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो वहाँ पे जो है मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगी, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे रहने के रिगार्डिंग या खाने के रिगार्डिंग क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मैं उस वीडियो में कवर करूँगी। ये थी हमारी प्रॉपर्टी जहाँ मैं स्टे किया था, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे है आईबेक्स का, काफ़ी रिनोन्ड है, इनके टैंक कैंप्स भी रहते हैं, पर ये प्रॉपर्टी है जो आप यहाँ पे अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो स्टे कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी सर्विसेज है, ऑल आउट ऑफ पार्किंग स्पेस भी अवेलेबल है आपके यहाँ पे।